सभी परम श्रद्धेय संत चरणों में मेरा विनम्र वंदन है और इस महासभा में उपस्थित सभी महानुभाव नागरिक सज्जन माता भगिनियों के चरणों में भी वंदन है। संत उदार हृदय भी होते हैं और सरल भी होते हैं, इसलिए दो बातें जो मेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है वो मेरे सर पर उन्होंने डाल दी है। एक तो मुझे यहाँ अध्यक्ष कहा गया, संतों की सभा में अध्यक्ष बनने का मेरा बिल्कुल ही अधिकार नहीं है, और वो मुझे भी अनंत श्री विभूषित कहते हैं, ये वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने आप को यहाँ बिठाया, अपने पंक्ति में बिठाया, वो मुझे भी वही उपाधि लगा रहे हैं, लेकिन वो अनंत श्री का विभूषण सतत केवल संतों को रहता है। मैं स्वयं सेवक तो जरूर हूँ, संत कहने की हिम्मत अपने आप को मैं नहीं करता, क्योंकि मैं एक जानता हूँ, ये अनंत श्री विभूषित होना इसका एक लक्षण यह है कि संत निरंतर उसके संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनके मन में अपना कुछ नहीं रहता है। मेरे लिए ये चाहिए, मेरे लिए वो चाहिए, ये मेरा है वो पराया, ये सब उनके मन में नहीं रहता। उनके मन जैसा दर्पण बन जाता है, उसमें केवल उसकी इच्छा प्रकाशित होती है। और इसलिए मेरा अनुभव ऐसा है कि संतों की मनोकामना पूरी होती है, कैसे होती है वो मैं नहीं जानता। असंभव लगने वाली बातें भी वो इच्छा करते हैं, यथावकाश पूरी होती है। यथावकाश इसलिए पूरी होती है कि कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। प्रभु रामचंद्र श्री विष्णु के अवतार, उनको तो यहाँ मनुष्य जन्म में आना, वनवास का, पत्नी वियोग का कष्ट सहन करना, उसी पत्नी को दोबारा त्याग करना, अपने भाई को मृत्युदंड की शिक्षा देना और राज्य वगैरह सब छोड़कर प्रजाजनों सहित सरयू प्रवेश करना, ये सब कष्ट सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी का भार उतारना होता तो वही अपने शेष सैया से थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो संपूर्ण राक्षस कुल वैसे ही भस्मसात हो जाता जैसे लंका में युद्ध के बाद हो गया। ये कोई उनके लिए कठिन बात नहीं थी, परंतु ये उन्होंने ही बनाई धरती का नियम है कि यहां इच्छा और उसकी पूर्ति, इसके बीच में पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, और इसलिए जन्म लेकर उनको कर्म करना पड़ा। और मजे की बात यह है, हर बार उन्होंने जन्म लिया, हर किसी रूप में लिया, उनकी तो अपनी कोई कामना नहीं थी। ये विश्व तो उत्पन्न होता है, विलीन होता है, ये लीला लाखों बार वो देखते रहते हैं, उनसे इससे क्या लेना देना। लेकिन इस विश्व में हम लोग हैं, हमारे दुखों कष्टों का भार उतरना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो आए। और इसलिए वो जो कर्म उन्होंने किए हर अवतार में, वो अकेले नहीं किए, हम सबको आगे किया, हम सबने वो कर्म किए, हम सबने उसके लिए कष्ट सहन किए, हमको कई सुखों का त्याग करना पड़ा, हमको बलिदान होना पड़ा, तब हमारी मनोकामनाएं उसकी इच्छा से पूर्ण हुई। इसलिए बहुत सी इच्छाएं मन में आती है, लेकिन संतों ने जो समझाया है वो अपने मन में धारण कर चुका हूं मैं, होई जो सोई राम रचि राखा, वो तो होना है, उसमें तर्क क्या करना है। उसकी अगर इच्छा है और संत जो अनंत श्री विभूषित है उनके मन में केवल उनकी इच्छा का प्रतिबिंब आता है, तो उसकी इच्छा तो पूर्ण होनी है,
देर सबेर होना ही है। हमारा काम है हम पुरुषार्थ करें, हम कर्म करें। हाँ, लेकिन कर्म यानी नारा देना नहीं है, ये जोश की बात है। जरा होश में आ जाइए, याद कीजिए, स्मरण कीजिए राम ने कैसा कर्म किया था। यहां शुरू हुआ ना कर्म। पहली बात है, एक वर्णन अध्यात्म रामायण का ऐसा है कि विश्वामित्र जी ने मांग लिया, राम जी तो तैयार थे ही पहले से, निकलने के पहले उन्होंने कहा मैं चलता तो हूं लेकिन मन में बहुत उहापोह चल रहा है। ये विश्व क्या है, ये धरती क्या है, ये कौन जन्म लेता है, कौन मरता है, मैं जो अनुभव अब तक ले चुका हूं जीवन का, मुझे ये बिल्कुल नीरस लगता है। जीवन के सत्य को पाने में ही जन्म चला जाए, बाकी झंझट न करे ऐसा लगता है। तो एक पूरा उपदेश है अध्यात्म रामायण, जो श्री राम को यद्यपि संसार असार है उसकी असारता को भेद कर सत्य को पाना है तो कर्म करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है ये समझाता है। तो पहली बात तो है जो जत्थेदार महाराज जी ने भी कही कि जप करो, जप करो, मन में राम रखो। मन में मैं है वो भी कर्म करवाता है, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं पैसा कमाता हूं, खाना बनाकर खाता हूं, बनवाकर खाता हूं, मेरे लिए करता हूं। लेकिन कर्म करना है तो जैसे भारत का किसान परंपरा से क्या सोचता है, मुझे खेती इसलिए करनी है कि खेती करके खिलाना मेरा धर्म है, और इतने कष्ट पाता है लेकिन खेती करता है, छोड़ता नहीं, क्योंकि वो धर्म है। धर्म क्या होता है, जो समाज को जागरूक रखता है, जोड़ कर रखता है, उन्नत करता है, पराक्रमी बनाता है, जोड़ने वाला, सब में आनंद पैदा करने वाला, सर्वत्र सुख देने वाला, सबको सुख देने वाला, ऐसा बनाता है समाज को, वो धर्म है। उस धर्म के लिए कर्म करना, अपने लिए नहीं करना। भगवान की सृष्टि चले, संकल्प उसका है वो चलेगी, लेकिन मुझे पुरुषार्थ करना है उसके लिए तो काम करते समय दो बातें होती है, मुझे डर नहीं लगता किसी का, किसी से डर के कर्म मत करो। हम सब लोगों को अच्छा पक्का सच्चा हिंदू होना चाहिए, किसी से डर के नहीं। हमारे द्वितीय सरसंघ चालक थे पूजनीय गुरुजी, उनको दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा, एक पत्रकार ने कहा मेरे गांव में एक भी ईसाई मुसलमान नहीं है तो मेरे गांव में संघ का क्या काम है। तो गुरुजी ने उसको उत्तर दिया कि भैया संघ मुसलमान ईसाइयों के लिए नहीं चलता है, तुम्हारे गांव क्या पूरी दुनिया में मुसलमान ईसाई नहीं होता और हिंदू समाज की यह स्थिति होती तो संघ चलता ही चलता। ये हम जब मन में रख के जो कर रहे वो संसार की असारता को भेद कर पार ले जाने वाला कर्म है। जब मन में रखना तो ये एक बात होती है, ये मैं कर रहा हूं ये भावना नहीं रहती, ये मेरे लिए करना है ये स्वार्थ नहीं रहता, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक प्रत्येक क्षण करना, वो करना है इसलिए अपने आप को ठीक रखना। आप सब घर बार त्याग कर हिमालय में चले जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये करना है इसलिए हमको भी उसके लिए सशक्त बनना पड़ेगा। तो शरीर को ठीक रखना क्योंकि उसका काम करना है, मन को स्वस्थ रखना, उदार रखना, निर्भय रखना, किसी के प्रति द्वेष मन में नहीं रहना, लेकिन किसी के प्रति जो भी कर्तव्य है उससे चूकना नहीं, ऐसा मन रखना, क्यों, उसका काम करना है। बुद्धि को सीधा रखना, कोई बरगला ना सके, सरल है, निष्कपट है,
लेकिन हमको कोई ठग नहीं सकता, ऐसा रखना। क्यों? उसका काम करना। इसके लिए मन की अयोध्या बनानी पड़ती है। वो जो मैंने कहा उस समय वो एकदम मन में आया इसलिए नहीं कहा, ये बात है। और वो भी अयोध्या में जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि उसके पहले कितने ही लोगों ने अपनी मन की अयोध्या को सजाया संवारा। कुछ लोग तो बलिदान भी हो गए, कुछ लोग करते करते चले गए, इतने लोगों ने किया उसका फल मिल रहा है। तो इसलिए वो मन में रखना। और दूसरी बात होती है, डर किसी का नहीं लगता, क्योंकि उसकी इच्छा है वो होना ही है। और हमको पता है कि हम मरते नहीं, शरीर मरता है, बाद में फिर से आते हैं, पिछला कर्म पूरा करते हैं, इसलिए वो होना ही है और होते तक हम करते ही रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात है, श्री राम आए, निर्भयता पूर्वक उन्होंने ऐसा कर्म किया और वो कर्म सबसे करवाया। करवाया कैसे? ऑर्डर देके नहीं करवाया, उन्होंने सबको जोड़ा, किसी में परायापन नहीं देखा, किसी को नीच नहीं माना, सबको अपना माना, सबको गले लगाया, उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा। पंडित राम मनोहर लोहिया कहते हैं, उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाले राम, पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ने वाले कृष्ण, और सारे भारत में पवित्रता के रूप में मन में समाये हुए भारत की आत्मा बने शिवजी, तीनों का उल्लेख करते श्री राम ने समाज को जोड़ा। समाज का आधा अंग महिलाएं, उनकी उपेक्षा नहीं की, उनको यथोचित स्थान दिया। सुदूर गिरिकंदराओं में रहने वालों को जागृत किया, उनको पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त किया। वो श्री राम अवतार थे इसलिए सक्रिय नहीं हुए, श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे इसलिए सक्रिय नहीं हुए, श्री राम वाली को मारकर सुग्रीव के अग्रज बने थे इसलिए नहीं, वो इसलिए काम किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने रावण जैसे से लोहा लिया कि श्री राम का प्रेम था, श्री राम की करुणा थी, श्री राम के मन से सबका मन जुड़ा। श्री राम ने सबके मन को अपने मन से जोड़ा। हम सबको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारे परिधि में जितने लोग आते हैं, अपने घर के लोग तो है ही, अपने रिश्तेदार तो है ही, लेकिन अपना घर चलाने वाले भी लोग हैं भैया। आपके घर के सामने का रास्ता साफ करने वाला कर्मचारी है, वो भी आपके जीवन को थोड़ा सा संवारता है। अगर आप अपने कपड़े लॉन्ड्री में देते हो तो वहां कपड़े धोने वाला भी आपके जीवन को बनाता है। और कपड़ा आपके पास इसलिए है, किसी किसान के खेत में कपास उगी और किसी मिल में उसका धागा निकला और कपड़ा बना, किसी टेलर ने उसको कुर्ता बनाया, पैजामा बनाया, किसी हाथकरघे पर उसकी धोती बनी। ये सब लोग अपने जीवन को बनाने वाले लोग हैं, ये सब लोग हमारे अपने लोग हैं। उनको अपरत्व का, सम्मान का, आदर का, प्रेम का व्यवहार मिलना चाहिए। ये दो काम हम करेंगे जो श्री राम ने किए, तो बाकी सारी विद्या श्री राम जी को शस्त्र शास्त्र संपन्न विश्वामित्र जी ने बनाया। श्री राम जी गए नहीं थे सीखने के लिए, विश्वामित्र चलकर गए अयोध्या, श्री राम जी को साथ लेकर आए, राम और लक्ष्मण को दीक्षा देकर बला अति विद्या दी, क्योंकि वो इस कार्य के लिए योग्य बन गए। अगर हम अपनी योग्यता को बनाते हैं तो जब जो करना है उसके लिए जो जो शक्ति चाहिए, श्री राम की कृपा से अपने आप हम लोगों में अवतरित हो जाएगी। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसलिए हनुमान जी लंका से वापस आए सीता जी की खोज करके, और राम जी कहने लगे कि आपने बड़ा अद्भुत कर्म किया,
तो वो कहते हैं कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझे क्यों लजा रहे हैं, मैं तो जानता हूं ये सब आपका ही प्रताप है। श्री राम का प्रताप हनुमान जी के कृति में क्यों आया, हनुमान जी उसके लिए योग्य बने। और इसलिए भी हम सब लोग हनुमान जैसे बनने को तैयार है। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। तो फिर मनोकामना संतों की क्या, उसी की है, उससे उनसे प्रकट होती है। वो पूरी होने में क्या देर लगेगी, कौन करेगा, कैसा होगा, ये सब तफसील की बातें हैं और गैर लागू है। ये परिवर्तन दुनिया में ऐसे होते रहते हैं। भारत को भी उठना है, भारत का उत्थान हो उसकी इच्छा है। कहाँ बात रुकी है, हमारी तैयारी पे रुकी है। हम तैयार हो जाए बाकी अपने आप हो जाएगा। मुझे लगता है सारे संतों के भाषण मैंने तो ध्यान से सुने, और जो जोश वाली बातें थी उसका जोश मन में कुछ देर रखा, बाद में होश में आकर उसका विचार किया, तो मुझे जो सार मिला वो यही है कि हम गुणवान बने, हम सबको जोड़े, हम प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश धर्म संस्कृति समाज के लिए काम करें, तो जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। दुनिया की परिस्थिति ये कह रही कि दुनिया को आज वैभव संपन्न सनातन संस्कृति को प्रत्यक्ष आचरण में लाने वाले भारतवर्ष की, समरस भारतवर्ष की आवश्यकता है। वो आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम तैयार हो तो भारतवर्ष वैभव संपन्न सामर्थ्य संपन्न समरस बने। इसके लिए जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। विजय का विश्वास मन में रखिए और याचना मत कीजिए। रण होगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप याचना मत कीजिए, आप योग्य बनिए। आगे होगा जो होगा, होई जो सोई राम रच राखा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।